हमारे यहाँ हमारा बिजली के बिल बहुत लंबा आ रहा है, पानी के टैक्स आ रहा है, हम नहीं जमा कर पा रहे हैं। हमारा आदमी पड़ा है खटिया में, राशन नहीं मिलता, मेरा कैसी लोग यहाँ है। जाते महीने में एक बार राशन मिलता है 10 किलो, इतनी बड़ी फैमिली हम लोग 10 किलो राशन महीने में फैमिली कैसे चलाएंगे बताइए। तो कुछ नहीं, रोड पे दुकान लगाओ, डंडा खाओ, अरे कहीं दुकान कहीं। नमस्कार, द मूक नायक देख रहे हैं आप। मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं इस वक्त प्रयागराज के पसियाना की दलित बस्ती में मौजूद हूँ और हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। इस दलित बस्ती में हम यहाँ की महिलाओं से जानेंगे कि पिछले 5 साल की सरकार को वो किस तरीके से देख रहे हैं और इनके लिए क्या कुछ सुविधाएं इस सरकार ने उपलब्ध करवाई हैं, साथ ही ये कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका इस वक्त में सामना कर रही हैं, ये सब इनसे जानेंगे। अम्मा, क्या समस्या है आपके यहाँ इलाके में? हमारे यहाँ हमारा बिजली के बिल बहुत लंबा आ रहा है, पानी के टैक्स आ रहा है, हम नहीं जमा कर पा रहे हैं। हमारा आदमी पड़ा है खटिया में, राशन कार्ड कट गया है, राशन कार्ड भी मेरे पास नहीं, हम बाजार से 1 किलो 2 किलो लेके खाई थी, यही समस्या राशन, है राशन नहीं मिलता है हमको, राशन नहीं मिलता, मेरा कैसी लो गया है। अब हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं कि हम क्या बताएं कि उसमें क्या हो गया। दुकान दौरी हमारी छोटी सी दुकान है, पान के हम वही चलाते हैं, उसी में अपना बुढ़वा के भी देखते हैं, हम भी रहते हैं, क्या करें। अरे हम लोग इतने दिन 5 बार मतलब वो भरवाए फार्म, हम लोग को कॉलोनी नहीं मिली। और दूसरी बात मतलब कोई कागज़ कराने विधवा पेंशन बनवाने गए तो वहाँ पे बोले कि हमको मतलब इतना पैसा दो तो तुम्हारा काम करें, तो हमने कहा जब आप होगा हम इतना पैसा देंगे हमारा काम होगा, तो हम लोग नहीं कराएं। बाकी बात पैसा जो हम लोग का आना वाला था वो पैसा भी नहीं आया, पैसा भी रुक गया। राशन लेने जाते हैं महीने में एक बार राशन मिलता है 10 किलो, इतनी बड़ी फैमिली हम लोग 10 किलो राशन महीने में फैमिली कैसे चलाएंगे बताइए। सरकार तो करे, लाखों लोगों को मकान दिए, हम लोग मिला ही नहीं। 5 बार हमने भर रहा है, ये मोहल्ले में कई लोग ऐसी होती हैं जिनको मकान मिला ही नहीं है, 5-5, 6-6 बार भर रहे हैं, किसी को नहीं मिला। लैट्रिन बाथरूम सबको दिया है सरकार, लैट्रिन बाथरूम कुछ लोग का बना है, मतलब कुछ और लोग का बना, बाकी हम लोग कोई सुविधा नहीं मिला भैया। हम ना मेरा आदमी है, एक लड़का है, हम है और बच्चे हैं, अपना वही खा रहे कमा रहे, यहाँ भी नहीं रहे, मतलब दूसरे जगह झोपड़ी डाल के रह रहे हैं मेडिकल में, बताइए क्या किया जाए। हम लोग कोई सुविधा नहीं भाई, किसको जाने हम लोग, कोई चीज़ की सुविधा हो या कुछ वो हो तो फिर हम लोग जाने की, हाँ भाई सरकार हम लोग लेकर रहा, अब कहाँ से क्या हो रहा हम लोग को नहीं मालूम भी है, हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए। क्या क्या कहना है, क्या समस्या? हम लोग ये है कि हम लोग फुटपाथ की दुकान लगाते हैं, बिजली बिल नहीं भर पा रहे, जब कमाई नहीं हो पाएगी तो बिजली बिल नहीं भर पाते हैं हम लोग, तो फुटपाथ की दुकान है, 5-5 लड़कियाँ हैं हमारे जो है, वहाँ नगर निगम परेशान करती है, तो दुविधा तो है ही, परेशानी है। राशन वाशन मिलता है? हाँ जी मिलता है, आधे लोगों को मिल पाता है, आधे लोगों को नहीं मिल पाता। हाँ हाँ, जिनका जो है राशन कार्ड कट गया है तो उनको नहीं मिलेगा, और जिनका है तो उनका तो मिलता ही है। सरकार 5 साल में क्या कुछ किया है आपके लिए, क्या कहते हैं इसका? ये राशन मिल रहा है और जो है जो पैसा भरवाए थे कि 10,000 वाला वो मिल रहा है, कहीं दुकान फुटपाथ पे कहीं दुकान पक्की हो जाए तो अच्छा रहे, पर वो भी नहीं आज तक नहीं हुआ है। क्या क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि सरकार तो राशन खाने के लिए दे रही है, कमाई कुछ नहीं, रोड पे दुकान लगाओ, डंडा खाओ, अरे कहीं दुकान कहीं दुकान के अस्थाई कह दें कि गरीब मने कमाए खाए, सड़क बनवाए रहे, पुल बनवाए रहे, कहीं गरीबन के लिए एक फैक्ट्री बनाए दें कि गरीबे विधवा औरतें कम से कम बच्चे लेके अपना कमाए खाए, तो यही शिकायत है और क्या शिकायत। आन के चूल्हा बर्तन करने जाए तो कह दें कोरोना होएगा, एक महीना कर रही दूसरे महीना बैठा दें। क्या काम करते हैं? अरे हम तो क्या कहती, गेहूं पछोरी थी, मुड़े पे टोकरी धाई के सौदा बेची थी, चूल्हा बर्तन कर ले थी, और क्या करी, किसी तरीके से तो बच्चे के पेट पालना ही है, पाल रहे हैं। सरकार से कौन शिकायत, सरकार तो सभी कुछ दे रहे हैं, हम लोग तक नहीं पहुंच रहा है, कुछ नहीं पहुंच रहा है। पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है, 500 मिलता था तीन महीना पे 1500 मिलत रहा, अब कहाँ 1000 कह दे, पता नहीं 1000 करा थी कि नहीं कर, जब मिले तब जाना जाए, अभी तो नहीं मिला। अच्छा तो इस बार आप चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं, किसको वोट देने की सोच रहे हैं? वोट तो जिसकी सरकार वही रहेगा, क्या कहती वोट जिसको देना बताओ। वोट देंगे मोदी के देंगे और किसको देंगे? हाँ जैसे ऐसे सुविधाएं दे रहे हैं, ऐसे बिजली के बिल कम करावाएं, घर के टैक्स कम करावाएं, उन्हीं को देंगे।
सरकार से हमसे कोई शिकायत नहीं है, सरकार अपने जगह पे सही है। शिकायत किससे? किससे शिकायत है कि जो बीच में है उनसे शिकायत है, जो तो भेज रहे हैं कि कौन अधिकारी है कौन, हम लोग न पढ़े लिखे, हम लोग जानते नहीं कौन है कौन नहीं है, हम लोग तक नहीं पहुंच रहा, कहाँ जाएं हम लोग गरीब औरतें, यही शिकायत है। रोजगार के यही कि कहीं अस्थाई दुकान दे, हम लोग भैया लगाई कमाई खाई, ठेलिया लगाओ लेके भागो, पुलिस डंडा मारे, नगर निगम अलग चलान काट दे, सब कुछ होता है, कहाँ जाए। सरकारी दुकानें दे रही हैं मोदी जी, सरकारी आवास दे रहे हैं, सरकारी लेटरिन दे रहे, सुविधाएं दे रहे, पर आम जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा? मेरी शिकायत है उनसे ये और विनती है कि हम तक आए, अपना हमारा पक्ष रखे, हमारी बात सुनी जाए। हम लोगों तक तो यहाँ के कार्यकर्ताएं, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के अधिकारी हम लोगों की नहीं सुनते, उनको घूस चाहिए, वो हम लोगों तक नहीं आ सकते। पर मैं उनसे निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के, वो हमारे प्रकट आके हमारी समस्याओं का निवेदन करें। कैसी समस्या है? समस्या बिजली का बिल है, हाउस टैक्स है, पानी टैक्स है, अगर कमाएगी नहीं तो ये जनता देगी कैसे? कॉलोनी दे रहे, आवास दे रहे, यहाँ तक हम लोगों को कुछ नहीं है। सरकार तो क्या कहते हैं, राशन भी दे रही है, गैस सिलेंडर भी दे रही है। सरकार गैस सिलेंडर दे रही, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। बिजली मुफ्त कर रही, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। प्रयागराज उत्तरी दक्षिणी में महिलाओं को, औरतों को कोई सुविधाएं नहीं मिल जा रही है, ना ही विकास भवन से, ना ही आवास भवन से कोई चीज़ नहीं मिल रहा है। हम लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, राशन से घर नहीं चलता, राशन खा लेने से रोजगार नहीं, बेरोजगार घूम रहे आदमी, काम करते तो वो लाठी डंडा का कैसे चलेगा। सरकार हमको योगी मोदी जी चाहिए, पर हमारी सरकार में सुविधाएं भी चाहिए हमें, तो हम संतुष्टि है उनसे निवेदन करते हैं। पिछले 5 साल भी बीजेपी की सरकार रही, योगी जी की सरकार रही, तब सुविधा नहीं मिली आपको? नहीं मिली उनसे भी, इसीलिए तो हटाए गए। आज योगी जी मोदी जी बार बार क्यों लगा रहे गुहार हम लोग कि वो आए, उनकी सरकार ठीक है, पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने उन्होंने नियुक्त किया है अपना भरोसेमंद, तो वो हमारे समक्ष नहीं पहुंच पा रहे, हमारी पीड़ाओं को, हमारी दुखों को वो नहीं समझ रहे हैं, और ना हम उनको बता सकते हैं। इसलिए वो कमेटी से जुड़े हैं, उनको गठन चाहिए, उनको वो चाहिए, पूरा घूस चाहिए, वो हम लोग दे नहीं सकते। हम लोग बेरोजगार हैं, कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, लेबर के हैं, तो लेबर भी कार्ड भी बनवाया, श्रम कार्ड बनवाया, उसमें क्या सुविधा है? कुछ भी सुविधाएं नहीं। लोग यहाँ जो रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं लोग? हमारी माताएं हैं, सब्जी बेच रही हैं, उनको सब्जी बेचती हैं, ठेलिया लगाते, लाठी मार के हटा देते हैं, अब वो कहाँ जाएं कमाने के लिए? गली गली चूल्हा बर्तन करें, गली गली ढोकरी लेके बिकते, लॉकडाउन में कोई बेरोजगार है, अगर कुछ करना चाहते तो महिलाओं के लिए कोई फैक्ट्री कर दे, कोई ऐसी वर्कर चला दे कि जैसे महिलाएं बेरोजगार जो हैं वो करके अपना पेट पाल सके। मेरी यही निवेदन है और यही मेरी सरकार है और मैं यही चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं जिस तरीके से, तो सरकार पिछले 5 साल भी तो बीजेपी की रही है, तो तब क्यों नहीं मिली सुविधा? कैसे मिली? बीजेपी की सरकार नहीं, इसलिए बीजेपी हटाए गए ना। नहीं, यूपी में तो बीजेपी है, देश में भी बीजेपी है, तो सरकार तो 5 साल से नहीं, तो क्यों नहीं पूछा जा रहा था? इसीलिए तो हम बोले उनसे पूछे ना, उनसे पूछा जाए, क्यों नहीं पूछा? अगर हमारे तक समस्त बात नहीं आ रही, हम परेशान है, पीड़ित है, तो इसीलिए मैंने आवाज उठाई है ना। अगर मैं बोल रही तो ये आवाज मेरी वहां तक जाए, ये मेरी बात को वो सुने। ठीक, तो पिछली बार भी ये काम जो आप मांग रहे हैं वो नहीं हो पाए, तो इस बार आप क्या सोच रहे हैं चुनाव में? इस बार भी देखते हैं जो बदलेगा, किसी लिए सरकार बदलेगा ना, कि दूसरा सरकार आए कुछ सुविधा दे, कुछ कोई सुविधा नहीं है। इनका 70,000, अब ये लोग से पूछिए का इनका समस्या। ये आदमी पीते खाते इधर उधर पड़े रहते हैं, 2 बच्चे हैं, 4 महीना से अंधेरे में रहते हैं, चूल्हा चौका हम करके अपने बच्चन के जी लाते हैं, अंधेरे में रहते हैं, हम कैसे 60-70,000 बिल भरें लाइट का? बिल कब से आया, कैसे आया, क्यों आया इतना? अरे मेरे सास की पतन किसके नाम से था, हम अंधेरे में रहते थे, बाहर रहते थे, आए थे तो अंधेरे में रहते थे, पतन किसके नाम से था, 60-70,000 आया था, हम कैसे बिल लाइट का बिजली का दें? क्या कह रहे हैं? अरे वो कह रहे हैं कि जब उनकी सास थी ख़त्म हो गई होंगी, वो उसके बाद में वो नहीं भर पाई होंगी, अब इन लोग के ऊपर होगी तो बिजली कट गई है उनकी। बिजली की समस्या तो बहुत है, बिल तो आदमी कहाँ से इतना भरेगा, बिल ज्यादा आता है, बिल बहुत आता है, बिल इतना लेने लगे, इतना लेने लगे, आदमी बिल भर ही नहीं पाता, बिल भर के घर की टैक्स दे, ये बच्चे लोग पाले या खिलाए, इतनी महंगाई है। जो तेल भैया मिलता था 100 रुपए में, वही तेल 100-200 में, 175 में 3 पॉइंट है, 200 में तेल मिल रहा, बताइए हम लोग चूल्हा बर्तन करते हैं, मतलब 1,000 रुपये महीने मिला, 1,000 रुपये में बच्चे हम लोग पाल लेंगे, नहीं हो पाता हम लोग का। सरकार कह रही है राशन और फ्री सिलेंडर भी दिया है, एक पैकेट नमक चना और देते हैं, तेल देते हैं,
और 10 किलो गेहूं मिलता है, 2 बार देते है, एक ही बार मिल पाता, दूसरी बार जाओ तो कंटोरे बंद रहता है, चल नहीं पाता हूं मैं, नहीं चल पाता हूं। ये जिसके घर में 3-3-4 बच्चे थे, एक ही समय में 1 किलो आटा सन जाता है, आधा किलो चावल, तो कहां 10 दिन चलना मुश्किल हो जाता है भैया, बताइए। बड़े घर वाले लोग की तरह तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? सोच देखेंगे जो हमारे मोहल्ले वाले करेंगे, सब जैसे देंगे वैसे हम लोग भी दे देंगे, हमारी मोहल्ले की देखता है जिसको आगे वो बढ़ेंगे वैसे हम लोग भी सब लोग देंगे, क्या करेंगे? जब हम लोग को कोई सुविधा मिलेगा तो हम लोग भी कुछ सोचेंगे। ना कॉलोनी मिली हम लोग, तो ऐसे अनाथ है हम लोग, ना घर है ना द्वार ना कॉलोनी है ना कुछ है, हम लोग दूसरे दूसरे जगह जा जा रह रहे हैं। 5-5 बार हमने कार्ड भरा, एक बार भी हम लोग फार्म नहीं आया कॉलोनी का, मिल रहे ले।